दोस्तों पिछले कुछ सालों से हम लोग बॉलीवुड की आने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को लेकर एक बात लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हुए देख रहे हैं कि भाई बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं ना, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े मेकर हैं ना वो अपनी आने वाली बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों को सिनेमाघरों में लाने से पहले अपनी उन फिल्मों का हाइप खुद ब खुद बढ़वाते हैं पी टीम की मदद से और उसके बाद भैया खुद बखुद उसको कम भी करवाते हैं कभी वो अपनी इस फिल्म को लेकर नेगेटिव खबरें जनता तक पहुंचाते हैं और फिर उस फिल्म को लेकर पॉजिटिव खबरों की भी बाहर ला देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो भैया ये लोग ऐसा क्यों कर करते हैं क्यों करते हैं तो भाई इसका कारण ये है कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने कॉन्सेप्ट पर कभी भरोसा ही नहीं होता है ये बाजार का मूड भापना चाहते हैं कि भैया हमारे इस फिल्म का डिमांड है कि नहीं अगर इस फिल्म पर हम काम करने जा रहे हैं अपना पैसा लगाने जा रहे हैं तो भैया हम क्या अपना पैसा निकाल पाएंगे कि नहीं अब भाई इसी वजह से बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों का जो कहते हैं ना क्रेज़ जो मार्केट में बना रहता है ना वो अचानक डाउन हो जाता है और अगर गलती से जनता का प्यार उसके ऊपर उमड़ गया तो वो फिल्में कमा लेती हैं लेकिन यहां पर हम लोगों ने साउथ के बड़े बड़े मेकरों में एक बात देखी है कि भाई वो अपनी फिल्मों को सिनेमाघरों में लाने से पहले खुद को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि भाई जो फिल्म पर हम काम करने जा रहे हैं उस फिल्म के माध्यम से हम बॉक्स ऑफिस पर आकर नोटों से अपनी हाथ सेकेंगे कि नहीं कमाई के माध्यम में हम रिकॉर्ड बनाएंगे कि नहीं और जब उनको ये भरोसा हो जाता है ना वो किसी भी पीआर टीम का मदद लेके अपने फिल्म का ना तो हाइप बढ़वाते हैं और ना ही घटवाते हैं वो भैया ठोक कर आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात कहते हैं कि भाई हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं और हमारे इस फिल्म में ये ये कलाकार नजर आएंगे इस दिन से इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी और ये फिल्म इस साल सिनेमाघरों में इस डेट पर रिलीज होगी और यही वजह है कि भैया साउथ इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी पैन इंडिया मूवीज जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर आकर इन दिनों बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्मों को धूल चटाकर चली जा रही हैं तो भाई इतना प्रवचन मैं क्यों आप लोगों को दे रहा हूं तो भैया इसका कारण है पठान वर्सेस टाइगर का पार्ट तो भैया क्या खास आया है इस फिल्म को लेकर जिसको देखने के बाद मैं बहुत ही भन्ना गया हूं चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में अब दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि भाई पठान वर्सेस टाइगर को अगर आप सिनेमा घरों में देखने का मन बना रहे हैं तो भैया इस फिल्म को लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी ना इस फिल्म को लेकर मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी ना कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले इस फिल्म के जो मेकर है यानी भैया के के वर्ल्ड दुनिया के जो क्रिएटर है ना वो इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले वो मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं कि भैया क्यों आपस में पठान और टाइगर भाई स्पाई वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी में भिड़ेंगे क्यों भैया स्पाई वर्ल्ड की दुनिया की ये दोनों बड़े एजेंट एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे और इसी मुद्दे को क्रिएट करने के लिए हाल फिलहाल में हम लोगों ने यह खबर आप लोगों के सामने पहुंचाई क्योंकि भैया खबर तो हम लोग के पास भी आई थी कि भैया ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है इस फिल्म को लेकर कि भैया इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले एक ऐसा फिल्म बनाना चाहते हैं वाई अरब के स्पाई वर्ल्ड के मेकर कि भैया जहां पर यह मुद्दा क्रिएट हो जाए कि भैया ये दोनों स्पाई एजेंट क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इसी वजह से यह फिल्म जो है वो दो हजार छब्बीस में सिनेमाघरों में आएगी या फिर दो में आएगी ऐसी खबरें मैंने आपको बताई थी बताई थी कि नहीं बताई थी अब मैं आप लोगों को आकर यह बात कहूं कि भैया नहीं इस फिल्म को लेकर सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं इस फिल्म के जो क्रिएटर हैं इस फिल्म के जो मेकर हैं वो इस फिल्म को बहुत जल्दी ही फ्लोर पर लेकर आना चाहते हैं और इस फिल्म की शूटिंग जो है बहुत जल्दी शुरू होगी कहानी कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है और इस फिल्म का काम इसी साल शुरू हो जाएगा तो आप लोग यही बात कहोगे ना कि भैया दो दिन पहले तो कुछ और कह रहे थे दो दिन बाद आकर आप कुछ और कह रहे हो तो भैया ये खिलवाड़ हम लोगों के भी साथ हो रहा है कि भैया पहले कुछ और बुलवाओ फिर उसके बाद कुछ और बुलवाओ तो भैया सीधा आगे क्लियरली बता दो ना इधर उधर से खबरें क्यों फैलवा रहे भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा इस फिल्म की कहानी जो है वो तैयार हो चुकी है फिल्म का काम बहुत जल्दी शुरू होगा और मजे की बात कि भैया इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भैया ये फिल्म जो है वो इसी साल अप्रैल के महीने में फ्लोर पर चली जाएगी तो भैया कैसे सब कुछ होगा ये कैसे सब कुछ होगा ये क्योंकि हाल फिलहाल में ही सलमान खान को लेकर यह घोषणा कर दी गई है कि उनकी आने वाली अगली फिल्म जो है वो भाई ए आर मुर्गा दो की फिल्म होगी जो कि भैया बहुत जल्दी फ्लोर पर जाएगी और यह फिल्म 2025 में ईद के मौके पर सिनेमाघर में रिलीज होगी तो भाई जब ऑलरेडी सलमान खान ने अपने सारे डेट्स दे दिए हैं ए आर मुर्गा दो और साजिद नाडियाडवाला को तो भैया कैसे पठान वर्सेज जवान का काम का शुरू होगा और इस वक्त तो भैया वॉर का पार्ट टू जो है वो फ्लोर पर जा रहा है तेईस तारीख से इस फिल्म की शूटिंग चालू हो रही है और इधर यह खबरें फैलाई जा रही है कि भैया पठान वर्सेज टाइगर जो है वो भी सिनेमाघरों में आ रही है अजीब मजाक है मेरे भाई अजीब मजाक है अब हमें ऐसा लगने लगा ना कि भैया हमारी जो खबरें है ना वो खुद ब खुद गलत हो जा रही हैं। अब देखिए यहां पर अभी तक ऑफिशियली ऑफिशियली मैं आप लोगों से यह बात कहना चाहूंगा कि भैया अभी तक वाई आर एफ के तरफ से यह खबर हम लोगों के सामने नहीं आई है कि भैया क्या यह स्पीम का काम शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है नहीं ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है अभी तक तो भैया शाहरुख खान को लेकर एक अलग ही अलग ही सगुफा फूट रहा है जिसकी जानकारी मैं इस वीडियो के बाद में आप लोगों को दूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन यहां पर जो ये खेल चल रहा है ना ऑडियंस के साथ भैया कभी कभी कहते हैं ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा तागा चोर निकल के भागा मेम खाया बिस्कुट साहब बोला वेरी गुड ये लाइक खेल जो है ना भैया ऑडियंस के साथ मत खेलो मत खेलो ऑडियंस इस फिल्म का इंतजार करना चाह रही है करना चाह रही है और इस फिल्म को सिनेमा सिनेमाघरों में देखने चाह रही है अगर आप लोग ऑफिशियली इस फिल्म की घोषणा कर दो भाई ये फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर हिट है ये फिल्म सिनेमा सिनेमाघरों में आकर भैया डेढ़ हजार करोड़ का बिजनेस करके चली जाएगी ये गारंटी मैं आप लोगों को आज दे देता हूं क्योंकि इन दो नामों की वजह से सलमान खान वर्सेस पठान के नाम से और भाई इस फिल्म को लेकर जानकारियों का बाजार ये भी गर्म है कि इस फिल्म में कटीना आएंगी या फिर दीपिका आएंगी अब भाई ऑब्वियस है जब ये दोनों कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे तो भैया दोनों की अदा कराए ना इस फिल्म में नजर आएंगी हाँ आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगी तो भाई चलिए अजीब अजीब कहानियां निकल के आ रही हैं देखते है हम लोग होता क्या है तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल जाने को और करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जाने के लिए ब्लैक को जोर दो